यहाँ पे हेल्प ऑन द रोड। सबसे पहला रीज़न मेरा ये वीडियो शेयर करने का, अलग चाबियाँ इसकी है, ये RS की, L&T की हैंड वो चाबियाँ हैं, ठीक है। ये देखो अपनी चाबी, यहाँ निकलने के बाद हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ें इसको ऐसे हम लोग मैच करते हैं एंड उसके बाद इसके जो फ्यूजेस। वेलकम बैक टू द हैवे गॉड। मैं यहाँ टाउन में रहता हूँ ना, तो इस लोकेशन पे ना अपना सब कुछ शूट होता है। पहुँच गए, रुक गए हम लोग, मस्त ग्रीनरी है यहाँ पे, ठीक है। और गाड़ी का इंजन का नॉइज सुनना, बस भाई बस, इतना नॉइज मेरे लिए काफ़ी है TDI का। मतलब ये आवाज़ ना पूरा साइलेंट रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर TDI चलाने का, इसलिए इतना आवाज़ तो ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो की बात, ठीक है। इंटीरियर देखो, लास्ट वीडियो जिन्होंने मिस की ना जाके वीडियो देख लेना, अपना इंटीरियर एक नंबर लग रहा है भाई। शुरू करते हैं हम लोग ओनर्स मैनुअल के बारे में डिस्कस करने का। तो ये दिखती ऐसी है ऊपर से, ठीक है। इस पे ऑक्टाविया खड़ी हुई लगेगी आपको, एंड ओपन करते ही सबसे पहले ये देखो, वाओ क्या बात है। कंट्रोल्स एंड इक्विपमेंट्स, अब ये आप एक बार ध्यान देना इसमें, तो ये सब तो ठीक है यार, वो गाड़ी का ही सब हिस्सा है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अगर इसमें से हम शुरुआत करें ना, ड्राइविंग टिप्स, गाड़ी मतलब ये मैनुअल थी नहीं हमारे पास, लेकिन जो इन्होंने बताया है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जनरल मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत हम जान लेंगे उसके बारे में। फिर बाकी चीज़ें दी गई है, सर्विस शेड्यूल एंड ऑल। मैंने इससे पहले सर्विस का बताया था आपको, 10,000 भी मैं जाने देता नहीं हूँ इसकी सर्विस, उससे पहले ही हम लोग कर देते हैं। एंड ये देखो भाई चाबी, ठीक है। ये अलग अलग चाबियाँ इसकी है, ये RS की, L&T की हैंड वो चाबियाँ हैं, ठीक है। ये देखो अपनी चाबी यहाँ पे, ये स्टिकर मैंने दोबारा निकाल दिया, अब उसको दोबारा लगाएंगे, क्योंकि एक भाई को बहुत पसंद आया तो उनको मैंने दे दिया। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जाए ना, ये है ना हर गाड़ी का दिया है इसमें, राइडर, L&T एंड वो सब टॉप एंड एंड वो। ये देखो लगेज का चीज़ें एंड ये बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी से आया करती थी। ये गाड़ी ऑटो में भी आती थी, एक भाई के पास है दमनदीव में अपने, सागर भाई के पास, उन्होंने उसको मैनुअल में मूव किया है। तो अभी उनके चल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी भी। और ये देखो भाई 1500, ये सारी चीज़ें तो छोड़ो, ये मतलब कुछ वो नहीं है इम्पोर्टेंट। मतलब 96 से 2000 का मॉडल जब आया था ना, उसमें आया था ASR। सो अभी पेज नंबर 117 पे जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन स्विच का बता रहा है, वाइपर एंड ऑल, एंड ये AC का है, ये अपने कुछ काम का नहीं है। मतलब उन्होंने डिटेल बताया है हर चीज़ का, तो उस डिटेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ड्राइविंग टिप्स वाले टॉपिक पे। ये 1.9 TDI मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये यूज़ करते हैं इसका। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो अगर आप लोग माइलेज वाला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जब मेरे पास नहीं थी तभी बताया था मैंने, ड्राइविंग इकोनॉमिकली वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, डू नॉट वार्म अप द इंजन व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी, मतलब गाड़ी खड़ी रहने के बाद उसको हीट मत किया करें। उसके बाद अवॉइड फुल थ्रोटल एक्सेलरेशन, मतलब फुल पंजा कभी नहीं दबाना इसका, एकदम से हाई RPM खींचना नहीं है, जैसे 5000 RPM तक ले। कोई भी यार नया बंदा बैठता है ना गाड़ी में, वो ट्राई करने जाता है, पूरा खींचता है RPM या ऐसी चीज़ें, तो उनसे मना करें। डू नॉट ड्राइव एट अननेसेसरी हाई स्पीड, इंजन रेव चेंज अप एज सून एज पॉसिबल, ओनली चेंज वेन डाउन वेन द इंजन नो लॉन्गर रन स्मूथली। ये चीज़ मैंने बता दी है ऑलरेडी, हर गियर को इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से गियर शिफ्टिंग करो। ट्राई नॉट टू ड्राइव एट मैक्सिमम स्पीड, ये भी मैंने बताया है कि आपको ओवर स्पीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप मैन्युअली मतलब आराम से चलाया करो गाड़ी को, ज़्यादा खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। 100-120 पे गाड़ी मस्त माइलेज देती है। अननेसेसरी एक्सलेशन एंड ब्रेकिंग हैज़ टू बी पेड विथ हाइयर फ्यूल कंजम्पशन एंड ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये समझने की बात है, ये चार पॉइंट है, ठीक है। गियर आप खींच रहे हो 3000 RPM तक, तो नहीं, हर गियर 2000 RPM के नीचे ही चेंज करना है, उसके बाद ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, तब जाके गाड़ी माइलेज देगी। वो हो गया ड्राइविंग टिप्स वाला टॉपिक। अगला टॉपिक है जनरल मेंटेनेंस में आया इसका, फ्यूल, केयर ऑफ कार, बोनेट, लॉन्ग लाइफ सर्विस, स्पेसिफिकेशन, पावर स्टीयरिंग, कूलिंग सिस्टम, ब्रेक फ्लूड, बैटरी, स्पार्क प्लग, रिप बेल्ट और विंडस्क्रीन वॉशर सिस्टम, विंडस्क्रीन वाइपर, ब्लेड्स, डस्ट प्लेन, ये व्हील्स, मोटरिंग, जनरल मेंटेनेंस है। तो ठीक है, मार ही देते हैं नज़र जनरल मेंटेनेंस पे भी। तो यहाँ पे है ये फ्यूल का, यहाँ पे भी वही है फ्यूल का, कार्स का कैटेलिक कन्वर्टर के बारे में एंड वो सब बताया गया है। उसके बाद वॉशिंग द कार, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वही बार वॉशिंग क्लीन साफ सुथरी रखा करे, एक एक पार्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि प्लास्टिक एंड ऑल ऐसे क्लीन करना है, प्रोटेक्ट करना है, और फिर रस्टिंग होते ही उसको स्प्रे मारना है, जो कि स्कोडा डीलर में मिलता है ऐसा ये बोल रहे हैं, बट पता नहीं
यहाँ पे इन्होंने इनका मतलब अपना हुड ओपन कैसे होता है एंड उसके अंदर इंजन की थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है जनरल मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है डिटेलली, इंजन ऑयल की स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे सारा, उसका फ्लूड मेंटेन रखना है, पावर स्टीयरिंग का कूलेंट का फ्लूड मेंटेन रखना है, ब्रेक फ्लूड मेंटेन रखना है, ये सारा उन्होंने ऐसा ऊपर ऊपर डिटेल दिया है। बैटरी भी ऐसे मेंटेन करनी है, ये स्पीड का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो कोड आते हैं टायर पे, ठीक है, ये टायर के कोड ऐसे होते हैं, विड्थ लेंथ हाइट और उसका कोड, ये जो स्पीड के रेशोज है वो कोड के हिसाब से होते हैं। मोटरिंग एब्रॉड, ये हम लोग अगर फॉरेन में गाड़ी चला रहे हैं तो उसका क्या क्या है सीन ये बताया गया है। गाड़ी ये फॉरेन में ले जाएंगे, हम ही ले जाएंगे जल्दी। स्पेयर व्हील के अंदर में इसका टूल किट है एंड वहीं पे उसका फर्स्ट एड किट है। यहाँ पे भी RS का व्हील दिखाया है इन्होंने, ठीक है, जो हमने डाला है VRS का। ये जैक का सिस्टम है, जैक हमने सुपर का लिया है राइट नाउ अभी। और उसके बाद ये देखो एंटी थीफ लॉक व्हील्स, और ये व्हील मतलब अलॉय व्हील्स के साथ ही आता ही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग चीज़ है। और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे आता है, बट इसमें हुआ ही नहीं, पहले आता था, निकाल दिया है लोगों ने किसी ने। इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके नीचे का, ठीक है, जो आता है डू इट योर सेल्फ। फ्यूजेस का इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुक हर एक के पास नहीं है, एंड फ्यूजेस का जो इसमें डिटेल है ना, मतलब एग्जैक्टली इसका डिटेल मिल जाएगा। जैसे 167 पेज नंबर ओपन करते हैं, ये खुल गया 167, ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूज बॉक्स। अब ये ना जब वायर शॉर्ट होते हैं या टच होते हैं या फिर उनमें मतलब स्पार्क होता है ना, तो फ्यूज़ उड़ता है सबसे पहले, और बहुत दो तीन रीज़न है इसके फ्यूज़ उड़ने के, उससे भी उड़ता है ये। तो एक तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली इतना, ठीक है, ये आप करेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको हर एक चीज़ का वो मिल जाएगा आइडिया कि ये कौन सा फ्यूज़ कौन से नंबर का है और कहाँ है। हमने इसको ना डायरेक्ट इस पे मैच करते हैं, जैसे अभी ये फ्यूज़ बॉक्स हम लोग यहाँ से खोलते हैं ना, अब ये खुल जा सिम, हाँ ये खुल गया, तो ये हम लोग ऐसे डायरेक्टली मैच करके ही इस पे फ्यूजेस लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये ऐसा डायग्राम है इसका, तो इसको ऐसे हम लोग मैच करते हैं एंड उसके बाद इसके जो फ्यूजेस चेंज करना है वो फ्यूजेस हम चेंज करते हैं। और मैंने इससे पहले भी बताया था, एक और बार दिखा देता हूँ वो, कि मैंने फ्यूजेस कितने एक्स्ट्रा रखे हैं इसके। गियर बुशिंग वाला डिब्बा, ठीक है, इसमें गियर की बुशिंग्स आई थी। एंड ये फ्यूजेस देखो, इसमें इंपॉर्टेंट फ्यूजेस 7.5 ज़्यादा मिलता नहीं है, ये भी एक टाइप का फ्यूज़ है, ये रिले के अंदर लगता है। इस पर ऑडी एंड फोक्सवैगन का लोगो लगा रखा है। ये रिले के अंदर वाला फ्यूज़ है, इसके अंदर में जो फ्यूजेस आते हैं वहाँ के फ्यूजेस का अलग डिटेल है, वो तो मतलब ख़राब नहीं होते कभी, लेकिन ये फ्यूजेस हर नंबर का फ्यूज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, एक या दो फ्यूज़। जैसे यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फ्यूज़ का नंबर है, ठीक है, ये 15 नंबर के फ्यूजेस देखो कितने, अभी इधर सारे ब्लू इसमें 15 नंबर है, तो ये कभी ख़राब होते हैं रास्ते में, कभी कोई चीज़ें ऑफ हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसको इमीडिएटली चेंज कर देता हूँ। एंड ये सारे स्क्रूज एक्स्ट्रा है, कभी कहीं अंदर कुछ खुल गया कुछ टूट गया तो वहाँ पर लग जाएंगे, तो ऐसा इसका सिस्टम है। और बाकी ये हेडलाइट्स का डिटेल है, ये तो LNK वाली हेडलाइट्स का है, इन्होंने मतलब वही बताया है सारी चीज़ें, इसको निकालना कैसे, इसका यहाँ पे स्क्रू है, ये तो आप सबको पता ही होगा, इसका ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एंड ये लाइट भाई, ये डोर की लाइट है, उसमें मैंने अपनी स्कोडा का मोनोग्राम जो आता है वो लाइट बिठा दी है अंदर। तो ये लोग बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर नहीं भाई, उसके अंदर लाइट है, अगर वो लाइट निकल के ये लगाओगे तो आपका भी नीचे स्कोडा पड़ जाएगा। और एक चीज़, हाँ, ये वाली लाइट भी ख़राब होती रहती है अक्सर बहुत से लोगों की, तो इसका भी ध्यान रखा करें। एंड इसके अंदर यहाँ पे लाइट्स तो अपनी गाड़ी में नहीं है, लेकिन बाकी LNK एलिगेंस एंड एम्बियंट में वो लाइट आती थी। LNK की भी बम्पर वही आते थे, हमने RS वाला बम्पर बिठा रखा। बैटरी के ऊपर जो मतलब आप इसको खोलोगे तो बैटरी के ऊपर एक फ्यूज़ है, वहाँ पे तीन फ्यूज़ है, उसमें फ़ैन के फ्यूजेस हैं। एंड ये देखो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये काम आएगा कि आपकी गाड़ी का डिटेल कहाँ कहाँ पे लिखा है, ये वो चीज़ है। ये देखो भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, टेक्निकल डाटा फॉर इंडिया। ये देखो 30 किलोमीटर गाड़ी चली हुई, यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर आ रखा है, ठीक है, 2,32,000, और वो भी बीच में बंद था। ये कॉम्बी वाला मॉडल आया था ना, उसका ये सारा वो है डिटेल, परफॉर्मेंस का, फ्यूल कंजम्पशन का, एंड उसके बाद वेट्स है गाड़ी के। देखो ये कॉम्बी इंडिया में ज़्यादा चली नहीं, फॉरेंस में काफ़ी ज़्यादा चली है। एंड ये देखो इनका मैनुअल पे यहाँ पे हेल्प ऑन द रोड,
बहुत सारी जगहों पे इनके वो थे सर्विस स्टेशन, अभी भी हैं ऐसा नहीं है, बट पुरानी गाड़ियों का काम होता है या नहीं ये हम लोग अब जाके चेक करेंगे। वैसे गाड़ी में कुछ खास काम नहीं है तो वो भी हम लोग वहाँ पे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा दो तीन नोट्स है तो हम लोग इसको, तो अभी फ़िलहाल इतना हमारे काम की चीज़ें थी जो हमारे इम्पोर्टेंट काम की थी वो हमने डिस्कस की, ठीक है। बाकी ऐसा पढ़ते बैठेंगे हम लोग तो इसको एक घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें कोई काम की चीज़ें है नहीं ज़्यादा। तो फ्यूजेस इम्पॉर्टेंट थे, ड्राइविंग टिप्स इम्पॉर्टेंट थी और गाड़ी का मतलब जो भी था हिसाब किताब वो इम्पॉर्टेंट था। तो ये ऐसी कुछ इसकी ओनर्स मैन्यूअल आती है गाड़ी की, इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने अभी शेयर किया है। आई होप आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगा। एंड सबसे पहला रीज़न मेरा ये वीडियो शेयर करने का, बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करनी, ट्रैवल का रूट मैप आ चुका है पूरा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितने टाइम के लिए जाएंगे, कितना किलोमीटर जाएंगे, सारा मैंने निकाल दिया है डाटा इसका। निकलने के बाद हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ें पोटेंशियल चेक करेंगे, बाकी बहुत सारा अभी भी इसका चेकिंग चालू है क्योंकि हमारा मेन ट्रैवल भाई ऐसा नहीं है हम लोग की ट्रैवल ब्लॉग यही ऐसे ही जो रेगुलर चल रहे सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं है, अपना कुछ अलग रहने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड रहना, उसके लिए हम लोग सोलो ट्रैवल करेंगे। एंड इसका बाकी का सामान भी ऑन द वे है, ठीक है, मतलब आधा सामान आ चुका है, आधा आया था मैंने रिटर्न कर दिया, जो मेरे हिसाब से नहीं आया था मैंने वापस कर दिया। अभी ऑलरेडी पानी सब जगह भर के ओवरफ्लो होने लग चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसलिए रुका हूँ ना कि पहले ये जो फर्स्ट एज होती है ना बारिश की, इसमें सब जगह पानी ओवरफ्लो हो जाता है, सारे डैम्स भरते हैं, सारे वाटरफॉल पहले मतलब वो होता है फर्स्ट एज पे, मतलब आप अवॉइड किया करो फर्स्ट एज पे घूमने जाना, उसके बाद आप सेकेंड स्टेज पे आप जा सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब मौसम खुल जाता है, उसके बाद थोड़ी धूप भी आती है, थोड़ा बारिश रहती है, ऐसे मौसम में जाना सही होता है। जुलाई में पूरा टोटली जाना नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा जुलाई एंडिंग में जाना ठीक है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में बहुत बड़ी प्लानिंग है इसकी ट्रैवल ब्लॉग रिलेटेड। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑन द वे है, डिस्कस हो चुकी है, लग भी जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें आगे वापस भी गई है वापस आएंगी और हम लोग जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहना। देखो अब ऑलरेडी मस्त हवा छूटी है, ठंडी तगड़ी बारिश होने वाली है भाई, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहना। अब इस बारिश में ना इसका ट्रू पोटेंशियल अब इस्तेमाल करेंगे, मजा आने वाला है आने वाली वीडियोस में। मैं सिर्फ कार एंथुसियास्ट नहीं भाई, टोटली ट्रैवल एंथुसियास्ट है, ठीक है, हम लोग नेचर से मुझे बहुत प्यार है, सबको होता है, तो उस हिसाब से अपना जो टेस्ट है ना वो अलग है, ठीक है, मैं कॉमन